सो हाय गाइस, हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो आज हमारा वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो बहुत मेरे भाइयों लोग कमेंट कर रहे हैं। तो एक मेरा भाई है तो कार्तिक नंदन मेरे भाई बोल रहे थे कि भैया एक ब्रेन फ्रीजर पान रसना बना के दिखाइए, क्योंकि उसका रेसिपी कितना क्वांटिटी में जाएगा, फ्लेवर कैसा स्मोक आएगा, कैसा डेंस आएगा, कैसा फ्लेवर आएगा। तो आप जरूर ये वीडियो हमको बना के बताइए। तो कार्तिक नंदन मेरे भाई, आपके लिए वीडियो। तो आज ब्रेन फ्रीजर पान रसना बनाएंगे आपके डिमांड पे। और बहुत सारे मेरे फैन लोग हैं जो हम लोग कमेंट करते रहते हैं। तो एक मेरे फैन है तो मोहम्मद आयशा जी, तो बहुत कमेंट कर रही थी कि आपका उनका बहुत अच्छा लगता है। तो आपका फैन है तो अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार करती हो। तो बस आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग के सारा सेटअप है। तो बस जरूर आप कुछ भी, आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी आपको काम प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। आपका नाम भी लेना होगा, जरूर आप लोग का नाम ले लेंगे। सब आप लोग का ही चीज़ है, बस मेरा तो सिर्फ वीडियो है, सेटअप है, और सारा नॉलेज आप लोग के लिए रखे हैं हम, तो सब आप लोग के लिए ही बनाते हैं। तो मोहम्मद आयशा जी, तो कोई भी दिक्कत हो आप जरूर हमको कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट कार्तिक नंदन मेरे भाई, हम लोग वीडियो में आ जाते हैं। तो बनाते हैं ब्रेन फ्रीजर पान रसना। तो फटाफट ज़्यादा देरी नहीं करते हुए तो ब्रेन फ्रीजर पान रसना बनाएंगे आज हम लोग। ये पूरा लाइट फ्लेवर, इसको नहीं बोल सकते हम लोग, ये थोड़ा स्ट्रांग फ्लेवर आता है, ठंडा फ्लेवर है। तो ठंडा फ्लेवर समर में एकदम ठंडा फ्लेवर जिन मेरे भाइयों को चाहिए, तो ब्रेन फ्रीजर पान रसना एकदम आप बना के पीजिए। तो ब्रेन फ्रीजर कितना देना है, पान रसना कितना देना है, और चिल्लम में फ्लेवर कैसे भरना है, कैफे में ब्रेन फ्रीजर पान रसना कैसे बनता है, बस आप लोग को जानना है। तो ये मेरे वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए एक बार, तो पता चल जाएगा कैफे में पान रसना कैसे बनता है। एकदम मस्त, एकदम ठंडा फ्लेवर, कैफे वाला फील, कैफे वाला डेंस, कैफे वाला फ्लेवर, कैफे वाला स्मोक, एकदम आपको कैसे घर पे एकदम बैठे बैठे चाहिए, तो एकदम घर पे कैसे लाएंगे फील, सब मेरे वीडियो के थ्रू। तो जरूर आप लोग ऐसे चैनल, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आई होगा, फटाफट जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, और मेरा बहुत सारा वीडियो होगा तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। जो मेरा नए भाई लोग हैं जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो जो आज ही जुड़े हैं, जो एक दो वीडियो से मेरे कनेक्ट हुए हमसे, तो थैंक यू मेरे भाई। बस आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड को। और कुछ भी दिक्कत हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेस्ट खरीदते हैं, उसका खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है एकदम कैफे वाला फील, कैफे वाला डेंस, कैफे वाला स्मोक, कैफे वाला सब कुछ, आप घर पे कैसे बैठे बैठे बनाएंगे, पियेंगे, और घर पे कैसे फील लाएंगे, तो मेरे वीडियो को थ्रू लेके आएंगे। तो इसलिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम आ जाते हैं अपने वीडियो में। तो ब्रेन फ्रीजर पान रसना कैसे बनता है, एकदम ठंडा फ्लेवर, एकदम हल्का सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, क्योंकि थोड़ा गले में लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, वो ठंडे की वजह से लगता है, चोक नहीं करता है। ब्रेन फ्रीजर फ्लेवर जो है वो सिर्फ ठंडा की वजह से, रसना की वजह से वो थोड़ा गले में लगता है, ठंडा लगता है। तो आप जरूर घर में बना के पीजिएगा, और मेरे हिसाब से जितना जो उसका रेशियो होता है, आप उससे बना के पियेंगे तो आपको ठंडा भी नहीं लगेगा, एकदम स्मूथ बनेगा, एकदम अच्छा बनेगा। तो आइए फटाफट हम अपने वीडियो में आ जाते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा मीडियम साइज का चिलम है, तो ब्रेन फ्रीजर रसना बनाएंगे हम लोग। तो आइए बनाते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारा ब्रेन फ्रीजर, ठीक है, हाफ एंड पफ का ब्रेन फ्रीजर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ब्रेन फ्रीजर 50% लेना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद रसना जो है, रसना हमेशा 20% लेना है। तो रसना है अफजल कंपनी का, अफजल का पान रसना फ्लेवर है, देख लीजिए पान रसना। तो इसको हम लोग 20% लेना है हमेशा, जब भी रसना लेंगे 20% लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, उससे कम भी नहीं लेंगे, तो 20% लेंगे, ज़्यादा मत लीजिएगा, ज़्यादा लेंगे तो पूरा ठंडा ठंडा मिंटी आ जाएगा। तो देख लीजिएगा चिलम के हिसाब से थोड़ा सा आपको इतना ले लेना है, वो आपका 20% का काम करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, प्रॉपर एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, देख लीजिए आप लोग को एकदम प्रॉपर मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। और आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा मिंट दे सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मिंट भी ले लेंगे, ठीक है, ताकि फ्लेवर को थोड़ा सा और हल्का और ठंडा करने के लिए, पान रसना की वजह से जगह पे अगर ये मिंट भी देंगे तो चलेगा। तो थोड़ा सा मिंट ले लेंगे, मिंट आप बहुत सारा फ्लेवर में ठंडा करने के लिए मिक्स कर सकते हैं, तो एक अच्छा फॉर्मूला है। तो मिंट मिला के, मिंट को मिक्स करके, तो आ गया मिंट हमारा मिक्स हो गया, ब्रेन फ्रीजर रसना मिक्स हो गया, देखिए प्रॉपर हमारा फ्लेवर पूरा मिक्स हो चुका है। और चिल्लम में देख लीजिए, हमेशा जब भी डालेंगे ऊपर से डालेंगे, देख लीजिए जैसे हम डाल रहे हैं, आपको भी ऐसे प्रॉपर डालना है, देख लीजिए चिल्लम में जब भी फिलअप करेंगे हमेशा ऊपर से फिलअप करेंगे, कभी भी दबा के फिलअप नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ इस साइड नहीं रखे करेंगे, चारों बगल रखेंगे और चिल्लम के हिसाब से, चिल्लम के पूरा इक्वल रखेंगे फ्लेवर, उससे ऊपर होगा ज़्यादा होगा उसको निकाल दीजिएगा,
ताकि उसके वजह से ही फ्लेवर शो करता है। तो देख लीजिए एकदम हम लोग बीच का जो सेंटर का जो होल होता है, चार पांच होल होता है, उसको पूरा क्लियर कर लेंगे। देख लीजिए और इसको चलिए इसको थोड़ा सामने कर लेते हैं और फ्लेवर को हल्का हल्का पुश करेंगे सामने की तरफ में, फ्रंट के साइड में, तो ऑटोमेटिक देखिए फ्लेवर हमारा ये मोटा हो जाएगा। इससे अच्छा डेंस आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। देख लीजिए हमेशा छिलम के हल्का सा नीचे ही फ्लेवर रखना आपको। तो आप सिर्फ साइड से ऐसे ऐसे करेंगे, आपको साइड से आपको ऐसे करना है बस, ताकि आपका फ्लेवर पूरा सेटअप हो जाएगा, छिलम के नीचे आ जाएगा तो फॉल में वो नहीं आएगा, तो अच्छा डेंस आएगा, अच्छा स्मोक आएगा, चोक भी नहीं करेगा। तो देख लीजिए मस्त छिलम हमारा रेडी है। तो देख लीजिए छिलम हमारा मस्त रेडी है, चारों पांचों होल क्लियर है। तो ऐसे छिलम बनता है, हमेशा छिलम हल्का सा फ्लेवर के नीचे होगा, हल्का छिलम के नीचे फ्लेवर होगा। देख लीजिए प्रॉपर ऐसा बनेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग साइड फोल्ड करेंगे। आइए हम लोग देखिए हम लोग ये पिनअप करेंगे साइड फोल्ड से, ठीक है। ये मोटा वाला फोल्ड है, थिक फोल्ड है। अगर आप पतला वाला फोल्ड यूज कर रहे हैं तो तीन पीस आपको यूज करना है। तो आइए फटाफट देखिए इसको हम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेने के बाद आपको 50 से 60 आपको होल करना है, 50-60 आपको होल कर देना है। देख लीजिए सर्कल पे एक बनाना है, सर्कल पे आप बना के एक आपको उसके अंदर जाते रहना है, जाते रहना है। देख लीजिए ये सर्कल बन गया, इसके अंदर हम लोग जाते रहना है और सारा होल इक्वल होगा, कोई भी होल मोटा पतला छोटा नहीं होगा। सारा देख लीजिए, सारा लाइन पर लाइन, एक एक लाइन पे देख लीजिए, सारा एक एक साइज का ही होगा। देख लीजिए कोई भी, देख लीजिए कोई भी छोटा बड़ा मोटा पतला नहीं होगा, कहीं भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए 50 से 60 आपको होल हो गया है, ठीक है। आइए साइड फोल्ड करेंगे। देख लीजिए ये आ गया हमारा मोटा फॉइल। तो एक साइड पर रखना है चिलम के साइड पर रखना है फॉइल, और इसको स्लोली स्लोली राउंड कर लेना है। आप भी करते रहेंगे सीख जाएंगे। देख लीजिए हमारा हो गया साइड फॉइल, और चार उंगली हाइट पर रख के देख लीजिए, देखिए चार उंगली हाइट पर रखिए आपको इसको ये ऊपर से कवर अप कर लेना है। तो देखिए मस्त हमारा साइड फोल्ड रेडी है। साइड फोल्ड से क्या होता है कि अच्छा डेंस आता है, अच्छा स्मोक आता है, बाहर का हवा अंदर नहीं आता, अंदर का हवा बाहर नहीं आता है, तो अच्छा फ्लेवर स्मोक आता है, डेंस आता है, तो हीट होता है सीरम इसके वजह से, और पीने में अच्छा लगता है। कहीं भी आप दोस्त यार के संग में, फैमिली के संग में कहीं भी आप पियेंगे, तो अगर आप साइड फोल्ड कर लेंगे तो कोई भी आपका फ्रेंड जरूर आपको बोलेगा कि हाँ भाई तुम कोई तुम्हारे पास नॉलेज है हुक्का का, तो जरूर आप ये चीज़ करके ही पीजिएगा। अच्छा डेंस आएगा, कहीं भी बाहर पी रहे हैं, अच्छा इंडोर पी रहे, तो अच्छा चीज़ है। तो आराम से घर बना के पीजिएगा। और कोई मेरा भाई पूछे ऐसे आपसे पूछे कि चिलम कहाँ से सीखा है ऐसा बनाना है, इतना परफेक्ट चिलम, तो आप जरूर मेरा नाम ले लीजिएगा और उनको मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बस आप लोग का शेयर करने से एक शेयर करने से मेरे एक सब्सक्राइबर आएंगे, तो बहुत बहुत आप लोग का प्यार होगा। तो बस आप लोग का प्यार है, प्यार दिखाइए भाई के लिए। तो चलिए फटाफट हम लाया, तो इसको चेक करते हैं कैसा फ्लेवर आ रहा है, कैसा डेंस आ रहा। ये हमारा आ गया चिलम, ये हमारा आ गया बेस, और ये हमारा कोकोनट कोल हमारा रेडी है, देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग माया का पाइप ले लेंगे। देख लीजिए माया का पाइप, बहुत मेरे भाई लोग बोलते हैं कि भैया माया का पाइप बहुत अंदर कचरा आता है, तो कैसे वॉश करें। तो माया का पाइप हमेशा गर्म पानी में वॉश करना है आपको, गर्म पानी इस साइड या इस साइड कहीं भी ले लेना है, पूरा पाइप को पूरा उसमें पूरा फिलअप कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद उसको ऐसे ऊपर नीचे वो करना है, करने के बाद उसको आप ऐसे क्लियर कर दीजिएगा, पूरा गर्म पानी से वॉश कर देंगे इसको अंदर से, अंदर वाटर डाल के, अंदर जो हॉट वाटर होता है तो हॉट वाटर डाल के आपको पूरा इसको ऐसे ऐसे वॉश कर लेना है, करने के बाद क्लियर करके फिर एक बार आप कहीं भी कल में नल में कहीं भी आप एक बार प्रेशर देखिएगा, धो लीजिएगा, तो आपका पाइप हमेशा के लिए फ्रेश हो जाएगा। फिर दो तीन महीने के बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दो तीन महीने तक आपको कोई भी पाइप में कचरा नहीं आएगा, मुंह पे कचरा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, देख लीजिए पूरा पाइप नया नया है, तो आइए इसको लगाते हैं। और ये हमारा हुक्का रेडी हो गया है, देख लीजिए कोकोनट कोल जब भी लेंगे, कोकोनट कोल लेंगे तो कोकोनट कोल हमेशा आपको दो पीस लेना है, एक हुक्के के लिए दो पीस कोकोनट कोल इनफ है। और आप चाहेंगे तो हल्का सा हीट के लिए, थोड़ा सा डेंस के लिए आप एक मैजिक कोल दे सकते हैं, फ्लेवर हीट नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो आप दे सकते हैं, बड़ा मत दीजिएगा। जैसे मैजिक कोल होता है सर्कल में राउंड होता है, उसका फोर पार्ट में एक पार्ट ले लेना है, ठीक है, हाफ लेना है, हाफ जो है उसका नहीं लेना है, उसका हाफ का हाफ लेना है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। और हमारा मस्त हुक्का रेडी है,
तो फटाफट आइए हम चेक करते हैं कैसा फ्लेवर आ रहा है। एकदम ठंडा ठंडा फ्लेवर आएगा, एकदम मजा आएगा पीने में, गर्मी के लिए मस्त फ्लेवर एकदम। तो आइए चेक करते हैं गेंस कैसा आ रहा है इसका, और रिंग भी करके दिखाएंगे आपको। चलिए करते हैं हम लोग, डबल रिंग भी करके दिखाएंगे आपको। आप देखिए रहोगे एकदम पूरा तीन पफ में पूरा अच्छा डेंस आने लगा। तो यही है बेनिफिशियल खासियत। तो ऐसे बनाएंगे तो जरूर आपका हुक्का में भी डेंस आएगा एकदम पूरा। चिलम के पूरा इक्वल रखिएगा फ्लेवर, ठीक है। हमें ऊपर मत रखिएगा, नीचे मत, कम मत रखिएगा, कम भी रखेंगे दिक्कत है। तो पूरा इक्वल रख के और उसको साइड साइड से एकदम पूरा कवर अप कर लीजिएगा, जैसा मेरे वीडियो में है। पूरा बहुत सारा वीडियो होगा वो भी चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियो में बताते हैं हम आप लोग के लिए, क्योंकि 90% जितने मेरे भाई लोग हैं वहीं पे गलती करते हैं चीला में फ्लेवर भरने के टाइम पे। तो वो चीज़ ख्याल रखिएगा, ऊपर से फ्लेवर रखना है और हमेशा चीलम के इक्वल फ्लेवर रखना है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। देख लीजिए देख रहा कितना डेंस आ रहा है। आइए एक बार आपको डेंस चेक कराते हैं हम लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे इतना सारा डेंस आ रहा है कि मतलब फेस भी फेस ही नहीं दिख रहा हम लोग का। तो बात ही हम लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए ऐसे ऐसे वीडियो के लिए जरूर मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे नए मेरे भाई लोग जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मेरा यूट्यूब सब वीडियो आएगा फटाफट जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। और पूरा पूरा स्मूथ पूरा फ्लेवर है, एकदम ठंडा फ्लेवर है, पूरा ब्रिलियन फ्लेवर का फ्लेवर आ रहा है, रसना का हल्का फ्लेवर आ रहा है, एकदम मिंकी लग रहा है, एकदम ठंडा फ्लेवर है। ठंडा फ्लेवर आपको घर बना कर पीना है तो जरूर आप ब्रिलियन फ्लेवर रसना बनाएंगे। इससे ज़्यादा ठंडा कोई फ्लेवर नहीं आता है कैफे में। और कैफे में कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए जो मेरे पर्सनल गेस्ट है वो जब भी बोलते हैं कि भैया हमको ठंडा फ्लेवर बनाइए, तो उनके लिए मैं यही बनाता हूँ ब्रिलियन फ्लेवर पान रसना। तो आप लोग भी घर पे आराम से बना के पीजिए, एक बार ट्राई कीजिए जरूर। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा पीने में, एकदम ठंडा फ्लेवर आएगा, पूरा फील आएगा कि हाँ कुछ हुक्का पी रहे आप। तो ठंडा जिन मेरे भाइयों को पसंद है जरूर आप पी लीजिएगा, बना लीजिएगा। तब तक हुक्का को हम इन्जॉय करते हैं। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए है सब कुछ, आप लोग के लिए मेहनत है, तो जरूर फिर से मिलेंगे नए वीडियो साथ। तब तक के लिए बाय, तब तक हम हुक्का को इन्जॉय करते हैं। चलिए बाय।